नमस्कार। स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आजकल स्टॉप टीवी पर डॉक्टर पी गुप्ता जो बेगूसराय, पटना और बिहार से बाहर के भी एक ऐसे महामानव के रूप में जाने जाते रहे हैं, जो एक चिकित्सक होते हुए भी इनको साहित्य, कला, समाज सेवा, इतिहास और पुरातत्व में गहरी अभिरुचि है। मैं उनके संस्मरणों का दौर चल रहा है, श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज हमने आपसे आग्रह किया था कि आप अगर बाहर भी रहते हो, कहीं मुंबई या बेगूसराय से, तो आप अपना संस्मरण आप वो लिख सकते, आप भेज सकते हैं ऑनलाइन हमारे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया था 7004839500। और कई लोगों ने भेजा, उसमें से आज मेरे परम मित्र अशोक सिंह जी हैं, जो कलाकार तो मूल रूप से हैं ही, ये व्यावसायिक रूप से सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। और इन्होंने काफी स्टेज शो किया है, नाटक और खास करके म्यूजिकल प्रोग्राम्स बेगूसराय में, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, और दिल्ली और नोएडा NCR में भी इनके कई शोज हुए, और इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रसिद्धि एज ए कलाकार पाई है। तो मैं अशोक जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ, चूंकि मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर पी गुप्ता के बहुत करीब रहे हैं और आपके पास उनके संस्मरणों का जखीरा, खजाना है आपके पास, तो आपसे अनुरोध है कि आप उनके वैसे निहायत व्यक्तिगत संस्मरणों को सुनाए जो आपके साथ हो, जो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री अशोक सिंह जी, नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने डॉक्टर स्वर्गीय पी गुप्ता से संबंधित कुछ संस्मरण लेके। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत सादर नमन, और एक दफ़ा मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल पतंग जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ बिताए हुए पल और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं। मुझे याद है मेरी रंग यात्रा शुरू हो चुकी थी, उसी दरमियान डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई जुलूस नाटक के दौरान। जुलूस नाटक TN गुप्ता के निर्देशन में हुआ था, और करीब महीने डेढ़ महीने हम लोगों ने डॉक्टर साहब के घर के ड्राइंग रूम में उसका रिहर्सल किया था, और उसका मंचन, पहला मंचन महिला महाविद्यालय वुमेन्स कॉलेज बेगूसराय में हुआ था। काफ़ी सराहना मिली उस नाटक हर तबके से, क्योंकि था तो नुक्कड़ नाटक और उसको एक नए अंदाज में TN गुप्ता के निर्देशन में और डॉक्टर साहब के गाइडेंस में उसको हम लोगों ने किया था। उसके बाद तो जैसे रंगमंच में जो सक्रियता होनी चाहिए, गजब की सक्रियता मैंने महसूस किया था। आशीर्वाद रंगमंडल, विजय सिंह पाल, इधर बरौनी रिफाइनरी में तरुण कला निकेतन, शशिकांत सिन्हा, कालिदास कलामंच महेश अवधेश जी, फिर अनिल पतंग जी, और बहुत सारे रंगकर्मी सारे एक्टिव थे। और वो जो बीज डॉक्टर साहब ने जुलूस के दौरान बेगूसराय में डाला था, वो आज एक विशाल बरगद का रूप ले चुका है। बेगूसराय जिले का नाम, जहाँ तक नाट्य विधा का या रंगमंच, नाटकीय रंगमंच का सवाल है, मैं समझता हूँ प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेगूसराय की अपनी अलग पहचान है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से डॉक्टर पी गुप्ता को जाता है। बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारी यादें हैं। डॉक्टर साहब को नाट्य कला या संगीत कला की बहुत सूक्ष्म समझ थी, बड़े सूक्ष्म दृष्टि से या बहुत ही नज़दीक से वो किसी चीज़ को देखा करते थे। मुझे याद है एक नाटक हम लोगों ने किया था,
एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां, टी एन गुप्ता के निर्देशन में ही नवाब के रोल में मैं था। और उस नाटक के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा नाम ही बदल दिया था। वो उसके बाद मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। जब भी हमारी उनकी मुलाकात होती थी तो डॉक्टर साहब कहते थे उर्फ, तो मैं कहता था अल्लादाद खां। और जब तक मैं बेगूसराय में रहा डॉक्टर साहब मुझे उर्फ नाम से ही पुकारते थे। इसके अलावे नाट्य विधा और संगीत विधा के अलावे जहाँ तक डॉक्टर साहब चिकित्सीय फील्ड की बात है, कमाल के डॉक्टर थे। 200 मरीज देखना एक दिन में। और मैं आपको बताऊं कि उस समय मैं विजय सिंह पाल, महानंद झा, शशिकांत सिन्हा, उदेश जी, इन सारे जो नाट्यकर्मी या रंगमंच से जुड़े हुए लोग थे, सबों को वो फार्मा कंपनी में लेके आने का श्रेय डॉक्टर साहब को ही जाता है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे बाल बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, विदेशों में भी हैं और हिंदुस्तान में भी मेरी एक बेटी है, दो बच्चे मेरे बाहर हैं, ये सारा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। क्या बताऊँ उनके बारे में। जहाँ तक उनके फील्ड की बात है, चिकित्सीय फील्ड की, तो मुझे एक वाक्या याद है कि मैं एक दफ़ा देव मेडिकल एजेंसी में बैठा हुआ था केडी मेहता के साथ। एक हमारे हम लोग के जानने वाले आए और थोड़े नाराज से दिख रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा उनसे, तो बोले कि डॉक्टर साहब से आए थे दिखाने, हाथ में कुछ दिक्कत है, चर्म रोग है और काफ़ी पुराना है, और देखिए मैं डॉक्टर साहब से दिखाया, इन्होंने एक दवा लिखी, एक दवा से क्या ठीक होगा, बहुत डॉक्टर से दिखा लिया। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप दवा खा के तो देखिए। समझाने पे वो राजी हुए और कुछ दिन के बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आश्चर्य है, बहुत सुधार है, ये मेरा चर्म रोग धीरे धीरे जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये, डॉक्टर साहब की निगाह बहुत पारखी थी, बहुत पहचानते थे लोगों की मदद करना, जो उनका स्वाभाविक मतलब गुण था, किसी की भी मदद करना। इतने बिजी प्रैक्टिशनर होने के बाद भी हमेशा वो गरीबों की मदद के लिए, रंगकर्मियों की मदद के लिए, हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहते थे। क्या बताऊँ उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ अनिल पतंग जी को, चूँकि मैं कुछ बातें जो उनसे जुड़ी हुई हैं उनको आपके सामने रख सका। बहुत सारी बातें हैं, समय की बाध्यता भी है, फिर कभी मौका या फिर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर कुछ बातें और शेयर करूंगा। तब तक धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्वर्गीय पीयूष गुप्ता से जुड़े संस्मरण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने जो संस्मरण भेजा सुनाया वो बड़ा कुछ इस तरह का है जो अद्भुत है, आकर्षक है और आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। तो मैं आपके प्रति स्टॉप टीवी की ओर से बहुत ही अपने उद्गार और शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरह का सहयोग बनाए रखें। और आपसे भी, आपके पास कोई संस्मरण हो तो आप सीधे मेरे इस टेलीफोन नंबर पर 700-4839-500 पर सूचित करें। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, आप चाहें तो 4-4 मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा संस्मरण भेजा है। धन्यवाद। We'll be right back.